हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डू द सेकंड एपिसोड ऑफ क्यू एंड ए प्लेलिस्ट, जहां पे वी विल कवर द मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन आवर कमेंट सेक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। यहां पे आकाश ने ये पूछा है कि इफ यू डू वर्क फ्रॉम क्लाइंट लोकेशन तो आर वी गोइंग टू गेट एक्स्ट्रा पेज और नॉट। तो इनका ये क्वेश्चन है कि अगर वो क्लाइंट लोकेशन से काम करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑफिस लोकेशन तो क्या उन्हें एक्स्ट्रा पे मिलेगा। तो आकाश, ऐसा नहीं है। आप चाहे क्लाइंट लोकेशन से काम करो या फिर वर्क फ्रॉम होम करो या फ्रॉम ऑफिस करो, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जो पॉलिसी, जो रूल आपके ऑफिस में है, ऑफिस में काम करने के लिए, वही आपको क्लाइंट लोकेशन में है, वही आप वर्क फ्रॉम होम में है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप वर्क फ्रॉम होम से काम करते हो तो क्या आपको एक्स्ट्रा मिलता है या फिर क्या आपको कम पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए क्लाइंट लोकेशन से भी आप काम करोगे तो आपको सेम सैलरी, सेम कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ रूल नहीं है। बट हाँ, जैसे आप ऑफिस में रेगुलर शिफ्ट नहीं करते हो, कुछ नाइट शिफ्ट करते हो या फिर इवनिंग शिफ्ट करते हो, तो जैसे आपको ऑफिस में वहाँ पे एक्स्ट्रा मिलता है, तो सिमिलरली आपको क्लाइंट लोकेशन में मिलेगा अगर आप रेगुलर शिफ्ट नहीं करते हो या अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो, वैसा कुछ है तो इस केस में आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। बट इन जनरल एक्स्ट्रा नहीं मिलता, ऐसा कुछ पॉलिसी नहीं होता है। तो आई होप आकाश आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अभिषेक आर्य, यू आर मेकिंग द ग्रेट कंटेंट फॉर न्यू ज्वाइनर्स इन एक्सेंचर। थैंक यू अभिषेक फॉर दैट। एंड यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है, डज एक्सेंचर गिव हाइक ऑन फिक्स्ड कॉम्पोनेंट और CTC, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉम्पोनेंट। तो अभिषेक, ऐसा नहीं है। एक्सेंचर हाइक देती है तो कंप्लीट CTC पे देती है, आपको वेरिएबल प्लस फिक्स्ड पे हाइक मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको वेरिएबल पे हाइक मिलेगा सिर्फ, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फिक्स्ड पे हाइक मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब भी हाइक मिलता है कंप्लीट फिक्स्ड प्लस वेरिएबल पे हाइक मिलता है। और फिर उन्होंने ये पूछा है कि हाइक इज ऑन CTC व्हाट परसेंटेज एंड ऑल। तो अभिषेक, ऐसा कुछ फिक्स्ड परसेंट नहीं है। आपको 10-15% भी हाइक मिल सकता है, आपको 30% भी हाइक मिल सकता है अगर आपका प्रमोशन हुआ तो। तो ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है। तो यहाँ पे आई कांट गिव द फिक्स्ड नंबर, बिकॉज जो आपका परफॉर्मेंस होता है, जो आपका हाइक होता है, वो डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे, आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस पे। तो इसलिए वी कांट गिव द फिक्स्ड नंबर। ओके, तो आई होप आपको भी आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा अभिषेक। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे भी अभिषेक कुमार से ही है। व्हाट इज द डिफरेंस इन वर्क फॉर AC फ्रेशर एंड SC फ्रेशर इन एक्सेंचर। ठीक है, तो अभिषेक यहाँ पे क्या पूछते हैं कि अगर आप ASC ज्वाइन करते हो एक्सेंचर में तो क्या डिफरेंस होता है अगर आप SE ज्वाइन करते हो एक्सेंचर में एज अ फ्रेशर। तो पहले बात तो अभिषेक, अगर आप SE ज्वाइन करो एक्सेंचर में तो आप फ्रेशर नहीं रहोगे। आपको SE का पोस्ट तभी मिलता है जब आपको कुछ मिनिमम 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, तभी आप ज्वाइन करते हो, तो आप उस समय फ्रेशर नहीं रह जाते हो। ठीक है, और अगर आप ASE एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो उसका मतलब ये है कि आप कम्प्लीटली कॉलेज से आए हो, आपको बिल्कुल भी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है। और उस केस में आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग भी होती है, GFT ट्रेनिंग। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस होता है ASE और SE में, ASE होते हैं कम्प्लीटली कॉलेज से फ्रेश आउट, और SE होते हैं जिनको कुछ मिनिमम 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता हो, तो वो फ्रेशर होते ही नहीं है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। और अगर आप रोल की बात करो तो ASE को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह नहीं मिलता है स्टार्टिंग में, और SE को, क्योंकि उनके पास 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है मिनिमम, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ दे दिया जाता है, डेवलपमेंट भी वो करते हैं कंपनी में। तो ये कुछ डिफरेंस है ASE और SE में। लेवल वाइज तो ऑब्वियसली डिफरेंस है ही, ASE अपर लेवल होता है और ASE एक लेवल डाउन होता है। ओके, तो आई होप आपको भी आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा अभिषेक। एंड दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडेज Q&A। अगर आपको भी कुछ डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो फॉर्मेट में मिले तो आप #AskMohit यूज कर सकते हो। तो अगली बार मैं जब भी ये वीडियो बनाऊंगा Q&A का, तो आपके क्वेश्चन को मैं पिकअप कर लूंगा। तो आई होप आपको इस Q&A प्लेलिस्ट से काफ़ी हेल्प मिल रहा होगा। अगर आप चाहते हो कि कुछ अलग टाइप का वीडियो बने तो लेट मी नो योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन। वी विल ट्राई आवर बेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।